चंपा जिले में बेधड़क कब्जाधारियों की मनमानी अब सर चढ़कर बोल रही है। जी हाँ, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि क्षेत्र के अधिकारी हैं जो कार्रवाई की बात करते हैं मगर बेधड़क कब्जाधारियों को अपनी मौन स्वीकृति दिए हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बाराद्वार से जय जयपुर मार्ग में बन रहा अवैध कॉम्प्लेक्स है। बाराद्वार नायब तहसीलदार के पास इसकी शिकायत हुई, मामले में जांच भी पूरी हो चुकी है, बावजूद इसके नायब तहसीलदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों की बेबसी देखकर कब्जाधारियों के हौसले फिर बुलंद हैं और कॉम्प्लेक्स का अधूरा बचा निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उसे शुरू किया जा सके। वहीं जांच में बेजा कब्जा पाए जाने के महीनों बाद भी कार्रवाई नहीं होने से जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। प्रतिवेदन के आधार प्रकरण दर्ज करके नियमानुसार जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शासकीय जमीन जो पूर्व सरपंच एवं अन्य जो है उसके द्वारा जो है किया गया है ऐसा रिपोर्ट में आए हैं, उसके बाद उसे जांच करके पुनः जो है अवलोकन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।